Hello everyone, welcome to my online prep. So here we are with the second class of a revision series for CAIIB exam of 2023. So this revision series is for paper 3, that is advanced business and financial management. Aur ye class second hai. This is for the chapter 2, that is planning, chapter 2 of module 8. Chapter 1 has already been uploaded, that is basics of management. Ye on my online prep ke YouTube channel pe video upload ki ja chuki hai. यहाँ पे बिकॉज दिस इज अ न्यू इंट्रोडक्शन, ये पहले नहीं था पेपर, तो फिर ज्यादा आप लोग को आइडिया नहीं होगा कि किस तरीके के एमसीक्यूज आएंगे या क्या टॉपिक्स आएंगे. इसके लिए माय ऑनलाइन प्रेप ने एक थरो एनालिसिस किया है, हमने प्रॉपर तरीके से जो मोस्ट क्रूशियल एमसीक्यूज है उनको कंपाइल किया है. इन टॉपिक्स के सबसे ज्यादा प्रॉबेबिलिटी है एग्जाम्स में आने की. तो अब जो टाइम है उसमें क्या जरूरी है, स्मार्ट प्लानिंग. स्मार्ट प्लानिंग वो प्लान जो आपको हेल्प करेगा अपने रिवीजन को कंप्लीट करने में इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर. सो स्मार्ट प्लानिंग के साथ ही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्लानिंग चैप्टर को पढ़ेंगे. सो इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल्स ऑफ प्लानिंग, स्टेप्स इन प्लानिंग, ये एक इंपॉर्टेंट है, देन इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, एमओवी, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर प्लान कॉम्पोनेंट्स, कंटिजेंसी प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड डिसीजन. ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसमें से जो एमसीक्यूज है उनके आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं. ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, वीडियोस देखनी है, ताकि क्या होगा आपका रिवीजन कंप्लीट हो पाएगा और आप इजीली 60 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो. आप इसी अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्वालिफाई करते हो. तो चलो हम लोग शुरू करते हैं, वी स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. Okay, so the first question from our session is, what are the primary objectives of the planning process? Again, we are given certain statements and we need to read these statements very carefully and then select the given options, the most appropriate one. That is, select the most appropriate answer from the given options. Statements can to finish a task as quickly as possible, to conduct an objective analysis of future requirements, to design and evolve procedures and activities, to spend as little money as possible on a task. तो हम लोग प्लानिंग किस लिए करते हैं, प्लानिंग होता है किसी फ्यूचर के लिए, मतलब कि हम लोग यहाँ पे फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर रहे हैं. वी आर सेटिंग सर्टेन गोल्स एंड देन वी व्हेन वी सेट सम गोल्स, केवल उसको सेट करना या प्लान करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हाउ वी आर गोइंग टू अचीव दोज गोल्स, यानी कि डिजाइन एंड इवॉल्व प्रोसीजर्स एंड एक्टिविटीज, क्या एक्टिविटीज होंगी जो कि परफॉर्म करने से हमें हमारे गोल्स अचीव करने में हेल्प मिलेगी. सो सेकेंड एंड थर्ड ये दोनों प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है. उसके अलावा टू फिनिश अ टास्क एज क्विकली एज पॉसिबल, ये स्पीड से रिलेटेड है. तो ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है बट ये प्राइमरी नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है. एंड टू स्पेंड एज लिटिल मनी एज पॉसिबल, दिस कुड बी रिलेटेड टू कॉस्ट इफेक्टिवनेस, बट अगेन ये भी सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है. तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. हमारे पास क्या सही है, सेकेंड एंड थर्ड, दैट इज ऑप्शन सी, सेकेंड एंड थर्ड, दिस इज द राइट ऑप्शन. सो सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है हम लोग के लिए, टू कंडक्ट एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स एंड टू डिजाइन एंड इवॉल्व प्रोसीजर्स एंड एक्टिविटीज. दिस इज पर्टिकुलरली मेंट टू फैसिलिटेट द मॉडिफिकेशंस दैट आर नेसेसरी ऑफ द ऑन गोइंग एक्टिविटीज एंड देन बेस्ड ऑन दीज ऑब्जेक्टिव दैट वी हैव सेट अल्टीमेटली दे विल हेल्प टू accomplish the business goals efficiently and effectively. तो speed और cost हो सकते हैं, मतलब ये planning process में consider किए जा सकते हैं, but they are not the planning most primary objectives of planning. तो यहाँ पे केवल 2 and 3 ये दोनों सही हैं. The right option here is C. Okay, next. The question says, during the planning process, each possibility that is dash connected to the goals will be taken into consideration. तो यहाँ पे हमको इधर जो गैप है इसको फिल करना है. वी नीड टू कंप्लीट दिस स्टेटमेंट एंड वी नीड टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. सो वी आर गिवन डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, नेगेटिवली और पॉजिटिवली. सो ड्यूरिंग द प्लानिंग प्रोसेस ईच पॉसिबिलिटी दैट इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द गोल्स विल बी टेकन इन टू कंसिडरेशन, मतलब कि ओनली टू इनडायरेक्टली, जो भी गोल से जो भी एक्टिविटीज इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, जिनको करना जरूरी है, परफॉर्म करना जरूरी है, वो सब कंसिडरेशन में लिया जाता है एंड ऑल ऑफ दीज हैव टू बी इंक्लूडेड इन द प्लानिंग प्रोसेस. तो सबसे पहले तो प्लानिंग में क्या क्या आता है, इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं. वी नीड टू आंसर 5 क्वेश्चंस इन द प्लानिंग प्रोसेस. इट इज व्हाट इज टू बी डन, वेयर इज इट टू बी डन,
हाउ इज इट टू बी डन, व्हेन एंड बाय हूम। तो ये पांच क्वेश्चंस है, मतलब कि क्या एक्टिविटीज है जिनको परफॉर्म करना है, कहाँ परफॉर्म किया जाएगा इन एक्टिविटीज को, फिर किस तरीके से, प्रोसेस क्या होगा, कब किया जाएगा, टाइम क्या होगा, पहले शुरू में करना है कि बीच में करना है, बाद में करना है, एंड बाय हूम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। तो ये प्लानिंग प्रोसेस के अंदर, तो जितनी भी चीजें इनडायरेक्टली कनेक्टेड, ये इनडायरेक्टली ही कनेक्टेड है, डायरेक्टली नहीं है, मतलब गोल जो सेट कर लिया उससे ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। अब अगर हम लोग एक तरीके से देखना चाहिए कि प्लानिंग प्रोसेस में स्टेप्स क्या क्या आते हैं, तो सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले होता है वी एनालाइज, द एनालिसिस इज डन, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। फिर उसके बाद क्या होता है, वी सेट द ऑब्जेक्टिव्स, पहले देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या है, हम लोग के पास क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। फिर क्या है ऑब्जेक्टिव, हम लोग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। फिर उसके बाद डेवलपिंग द प्लानिंग प्रिमाइसेस, प्रिमाइसेस क्या होने वाले हैं, उसके अंदर क्या फोरकास्टिंग होगी, बेसिक पॉलिसीज क्या होंगी, एग्जिस्टिंग प्लान क्या है हम लोग की प्लानिंग में। फिर उसके बाद क्या होता है ऑल्टरनेटिव्स, ऑल्टरनेटिव्स अगर कोई प्लान एज अकॉर्डिंग हम लोग जो चाह रहे हैं वैसा नहीं होता है तो हमारे पास और क्या ऑप्शन है, वो क्या होता है ऑल्टरनेटिव, प्लान बी क्या है हमारा। फिर उसके बाद क्या होता है इवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेटिव, वी नीड टू इवेल्युएट जो भी ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई किए, वी नीड टू इवेल्युएट कि उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है। फिर आता है वी सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज सेलेक्टेड, एंड देन फॉर्मुलेटिंग द डेरिवेटिव प्लान, द डेरिवेटिव प्लान इज फॉर्मुलेटेड, एंड फाइनली वॉट वी डू इज वी फॉलो अप, मतलब जब हमने इम्प्लीमेंट कर दिया प्लान को तो हम फॉलो अप करते हैं, हम रिव्यू करते हैं प्लान को कि वो एज एक्सपेक्टेड जा रहा है या उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो हम वो मॉडिफाई करते हैं। तो ये सारी चीजें प्लानिंग प्रोसेस के अंदर आते हैं। तो हम देख सकते हैं ना हमने एक क्वेश्चन से कितने सारे टॉपिक्स निकाल लिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप एक ही क्वेश्चन को करते हुए कितनी सारी चीजों को रिवाइज करते जा रहे हो, या आपका टाइम भी सेव करता है और आप उससे कनेक्ट करके उसको याद भी रख सकते हो, ये एक मेमोराइजेशन टेक्निक होती है। तो ये सारी चीजें याद करना जरूरी है, एंड द राइट ऑप्शन हियर वी सिलेक्टेड इट इज बी, दैट इज ओनली टू। ठीक है, मूविंग ऑन। ओके, सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड हियर इज अ लिटिल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर साइट दैट यू कैन डाउनलोड द माई ऑनलाइन प्रेप ऐप फ्रॉम गूगल प्ले। माय ऑनलाइन प्रेप ऐप पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, जितने भी एमसीक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं ये, इसके अलावा और भी बहुत सारे एमसीक्यूज है जो आपको फ्रीली अवेलेबल है, और इसके अलावा फ्री वीडियोस भी हैं, लेक्चर वीडियोस जो आप इजीली देख सकते हो अगर आपके पास टाइम की कमी है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको अपने जॉब आवर्स के बाद जो टाइम बच रहा है उसमें रिविजन करना है, तो आप अलग से बुक लेकर बैठोगे एक तो आप थक चुके हो, तो वो क्या होगा, वो ईजी नहीं होगा आपके लिए। आप वीडियोज देखो, आप मॉक टेस्ट देखो, आप उसके एक्सप्लेनेशन देखो, उससे क्या होगा बेटर तरीके से आप टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये सारी ही चीजें एक ही जगह पे अवेलेबल, आप इजिली माय ऑनलाइन प्रेप से ये सारी चीजें अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो डाउनलोड कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट डायरेक्शन दीजिए, एंड इट विल हेल्प यू अचीव योर गोल इन दिस गिवन एग्जामिनेशन इट सेल्फ। ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग प्लानिंग प्रिमाइसेस। सो प्लानिंग प्रिमाइसेस जो कि हमने अभी देखा कि प्लानिंग प्रोसेस का एक स्टेप होता है, इसमें मेन क्या क्या चीजें होती हैं, द गिवन स्टेटमेंट्स आर फोरकास्टिंग, बेसिक पॉलिसीज, एग्जिस्टिंग प्लान और पर्सनल प्रेफरेंसेस। तो हमने देखा था, हम ऑलरेडी ये कवर कर चुके हैं, इसका आंसर बहुत ईजी है, इट इज फोरकास्टिंग, बेसिक पॉलिसीज एंड एग्जिस्टिंग प्लान, दैट इज 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 is option D, यानी कि option D सही है। Personal preferences ये नहीं आता, ये developing planning premises में नहीं आता है, personal preferences तो include ही नहीं होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे organization के लिए planning की बात कर रहे हैं, complete organization के क्या goals है, उसके क्या objectives है, किस तरीके से उनको achieve करना है, ये सारी चीजें आती है planning process में। So we have already seen the steps of the planning process, we can see what are the importance, मतलब क्या role play करता है। तो पहला तो goal creation, first importance, it helps in the goal creation, second it provides direction, जब goal create कर लिया तो किस direction में move करना है हर एक employee को, management को, as a complete organization, third क्या हो सकता है, tackles uncertainty, हम लोग already क्या बात कर रहे हैं, हम लोग future की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग alternatives भी discuss कर रहे हैं, तो अगर कोई भी uncertainty आती है, कोई ऐसी situation है, हमको complete knowledge नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, तो वहाँ पे भी वो help करता है। Then it
डिस्कार्ड्स ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, मतलब कि जो बहुत सारे अगर हो सकता है डिपार्टमेंट्स वर्क कर रहे हैं तो वहां पे ओवरलैपिंग एक्टिविटीज हो सकती हैं, एक ही एक्टिविटी अलग अलग डिपार्टमेंट कर सकते हैं अगर प्रॉपर प्लानिंग ना हो तो। बट प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू हम लोग सारी एक्टिविटीज को, रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करते हैं, जिसकी वजह से वेस्टफुल एक्टिविटीज ये सब अवॉइड हो सकती हैं। देन इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, ये सबके आइडियाज को कंसिडर करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं जिसके थ्रू इनोवेटिव आइडियाज, द बेस्ट आइडियाज दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड। इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग थ्रू अ प्रॉपर प्रोसेस, कि मतलब किस किस चीज के लिए बेस्ट डिसीजन क्या होगा। एंड फाइनली इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग, इट फाइनली हेल्प्स इन कंट्रोलिंग विच इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोल करना। अगर कोई सिचुएशन है या फिर रिसोर्सेज हैं, किसी एक्टिविटी को प्रॉपर कंट्रोल करना, डायरेक्शन प्रोवाइड करना, तो ये सारी ही चीजें जो इम्पोर्टेंस होता है प्लानिंग का, ये डिनोट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर है क्या, इट इज D 1, 2 एंड 3, फोकास्टिंग, बेसिक पॉलिसीज एंड एग्जिस्टिंग प्लान्स। ये सारी ही चीजें डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस के अंदर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट द क्वेश्चन सेज व्हाट डज द स्टेप ऑफ इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स इन द प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व। अब ये इतने सारे क्वेश्चन प्लानिंग प्रोसेस से आ रहे हैं, इसका मतलब है कि प्लानिंग प्रोसेस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमने पहले ही कह दिया था प्लानिंग प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्या स्टेप्स हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पे इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स जो स्टेप है उसके अंदर क्या क्या आता है, स्टेटमेंट्स, डिस्कवरिंग एडिशनल मेथड्स, एग्जामिनिंग द स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स ऑफ द मेथड्स, यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड कंप्यूटर्स, और इग्नोरिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो अगर ध्यान से इन सारे स्टेटमेंट्स को देखोगे तो यहाँ पे पहले ही समझ में आ रहा है, इग्नोरिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस ये तो कुछ नेगेटिव हो गया। कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसको किसी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। टेकिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस इनटू कंसिडरेशन अगर होता तो ये सही होता। इसके अलावा क्या है, डिस्कवरिंग एडिशनल मेथड्स, तो ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, ऑप्शन। हमारे पास गिवन जो प्लान है उसके अलावा क्या ऑप्शन है, हमारे पास कितनी चीजें जिससे हम चूज कर सकते हैं, तो एडिशनल मेथड्स ये सही है। एग्जामिनिंग द स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स ऑफ द मेथड्स, इवैल्यूएट कर रहे हैं हम लोग, इवैल्यूएट कर रहे हैं कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तो ये भी हो गया। देन यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड कंप्यूटर्स, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस स्टेप में स्टैटिस्टिकल मेथड्स और कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है ताकि ये इवैल्यूएशन और ज्यादा एफिशियंट हो सके, तो दिस इज ऑल्सो राइट। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, दैट इज D 1, 2 एंड 3, मतलब ये तीनों चीजें किसमें आती है, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स में आती हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग स्टैटिस्टिकल मेजर्स यूज कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं किस तरीके से, कौन सा कंपैरिजन के थ्रू पता चल रहा है कि एक्चुअली ऑल्टरनेटिव बेस्ट है हमारे लिए, हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए बेस्ट प्लान या प्रोसेस क्या होगा, ये इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स के अंदर आता है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ओके, द क्वेश्चन इज हु कॉइन्ड द टर्म मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO। तो हमने कहा था कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं, पहले तो स्टेटमेंट्स दिए हैं, पीटर एफ डकर, हेनरी मिंसबर्ग, फ्रेडरिक टेलर और मैक्स वेबर। तो इनमें से किसने दिया था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इट वॉज गिवन बाय पीटर एफ डकर, दैट इज ओनली वन, पीटर एफ डकर ने दिया था। और अगर पूछा जाए इसमें आता है कि उन्होंने किस बुक में या पहली बार किस बुक में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टर्म को यूज किया गया था, देन इट वॉज द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, इट वॉज अ बुक बाय पीटर एफ डकर एंड इट वॉज पब्लिश इन 1954। तो इसमें इन्होंने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये गोल दिया था। सो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये टर्म जो बेसिकली यूज किया जाता है, इट इज बेसिकली फॉर द गोल प्लानिंग एज वेल एज द प्रोसेस एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लियर पैरामीटर्स, जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एफिशियंटली वर्क कर रहा है, जिसमें कि जो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव गोल्स की बात होती है, जो गोल्स होते हैं ना, अगर यहाँ पे हम लोग देखें गोल्स, इट इज स्मार्ट, द स्मार्ट गोल टेक्निक्स इज यूज्ड ओवर हियर। सो दिस इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन, स्मार्ट गोल क्या होता है, इट इज एन एक्रोनिम वेयर एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, देन ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, जिसको अचीव किया जा सकता है, R is realistic and T is timely। तो जो गोल है
इसको स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये आप याद कर सकते हो। वापस आते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो ये पीटर एफ डकर ने दिया था इन हिज बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1954। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ए। ओके, मूविंग ऑन। राइट, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंडामेंटल फॉर्म ऑफ एमबीओ टेक्निक। अब ये फिर से मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, फंडामेंटल फॉर्म क्या है इसका। स्टेटमेंट्स आर अ प्रोसीजर इन्वॉल्विंग ओनली मैनेजमेंट, अ प्रोसीजर इन्वॉल्विंग द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, जॉइंट स्टैब्लिशमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ गोल्स, और इग्नोरिंग एम्प्लॉयज इनपुट्स इन गोल सेटिंग। तो अगर हम लोग रिवाइज करें फिर से, तो एमबीओ टेक्निक क्या होती है, जो बेसिक इसका डेफिनेशन है वो यही होता है। इन द मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म इट रेफर्स टू द प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्लस द एम्प्लॉयज, द मैनेजमेंट एज वेल एज द एम्प्लॉयज, दे वर्क टूगेदर टू जॉइंटली establish record as well as they then monitor, jointly record, establish and monitor the goals for a particular period of time. तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, तो सेकेंड स्टेटमेंट सही हो गया। जॉइंट स्टैब्लिशमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ गोल्स, तो ये थर्ड स्टेटमेंट सही हो गया, यानी ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, दैट इज टू एंड थ्री, सी इज द राइट ऑप्शन। अब इसमें प्रोसीजर इन्वॉल्विंग ओनली मैनेजमेंट नहीं, इग्नोरिंग द एम्प्लॉयज नहीं, दोनों के ही कॉन्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। तो इसमें क्या क्या आता है, पहले तो गोल्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं जिसके डायरेक्ट आउटकम्स पता होते हैं, हर एक गोल का डायरेक्ट आउटकम क्या होगा। फिर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, जिसमें हम लोगों ने बात की थी ना पैरामीटर्स की, ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं अकॉर्डिंगली पैरामीटर्स के, क्या परफॉर्म कर रहा है हर एक डिपार्टमेंट, हर एक एम्प्लॉय। फिर परफॉर्मेंस असेसमेंट किया जाता है, ताकि फ्रीक्वेंट परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग्स होती हैं यहाँ पे बिटवीन द मैनेजर एंड द सबॉर्डिनेट, तो परफॉर्मेंस असेसमेंट होता है बाय कंपैरिजन विद द पैरामीटर्स। फिर अगर कोई भी शॉर्टफॉल होता है, तो व्हाट आर द रीजंस फॉर दोज शॉर्टफॉल, व्हाई दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय और दैट डिपार्टमेंट इज लैगिंग बिहाइंड, एंड एस्टैब्लिश्ड गोल्स, इफ द न्यू गोल्स दे हैव टू बी एस्टैब्लिश्ड, दे आर रिव्यूड एंड देन द स्ट्रैटेजीज फॉर द कमिंग ईयर आर ऑल्सो डिसाइडेड। सो न्यू गोल्स and strategies for the coming year, the next year are decided. तो ये सारी चीजें management by objective के अंदर आती हैं. So C is the right answer. Next, what does the gap analysis tool enable organizations to do? तो सबसे पहले तो gap analysis आता किसके अंदर है? It comes under the internal environment evaluation. ये internal environment के लिए होता है. तो gap analysis में क्या-क्या चीजें आती हैं? Statements, analyze and identify internal weaknesses, identify the performance deficiencies, bridge the gaps between various scenarios, or ignore future projections. So again, इस question में हम देख सकते हैं कि ये negative है, तो इसको cancel out कर दिया। फिर gap analysis में क्या होता है? Internal weaknesses, ये internal environment के बारे में बात कर रहा है, so ये सही हो गया। Then identify the performance deficiencies, अगर किसी भी particular function में कोई deficiency है, कुछ shortfall है, तो उसको identify करना, और फिर उसके बाद जो भी डेफिशिएंसीज है या गैप्स है उसको ब्रिज करना, मतलब कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज प्रिपेयर करना जिससे कि वो गैप को फिल किया जा सके, एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। सो 1, 2 एंड 3 ऑप्शन डी ये सही है, गैप एनालिसिस इसीलिए यूज किया जाता है। तो हम लोग के पास दो तरह के एनवायरमेंट होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, इंटरनल एनवायरमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इंटरनल एनवायरमेंट में क्या क्या आ सकता है, जो भी चीजें उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनल है, मतलब कि पहले तो जो फिजिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज जैसे कि प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, टेक्नोलॉजी जो कि वो ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है, उसके अलावा क्या हो सकता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो फंड्स अवेलेबल हैं किस तरीके से वो एलोकेट कर रहे हैं। देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वेदर और नॉट इट इज परफॉर्मिंग इट्स एक्टिविटीज विद फुल एंड कंप्लीट एफिशिएंसी। उसके अलावा जो स्ट्रैटेजिक एसेट्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं, मतलब कि मटेरियल, उसके अलावा लोकेशनल एडवांटेज क्या है, रेगुलेटरी प्रोटेक्शन क्या मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, ये सारी चीजें उसको स्ट्रैटेजी को डिटरमाइन करती हैं। और भी चीजें आती हैं, नेटवर्क, किस तरीके का नेटवर्क वर्क कर रहा है, या कॉन्ट्रैक्ट्स किसके साथ है उनके, जो बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। फिर जो इनटैंजिबल गुड्स हैं,
जैसे कि ब्रांड इक्विटी कैसे वर्क कर रहा है, गुडविल क्या है कंपनी का, रेपुटेशन क्या है, ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ह्यूमन रिसोर्सेज किस तरीके से जो एम्प्लॉयज हैं वो एफिशिएंट है, क्या उनके पास इनफ स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुली वो कंप्लीट कर सके. तो ये सारी चीजें इंटरनल एनालिसिस में आती हैं, और उसमें गैप एनालिसिस के थ्रू हम देखते हैं अगर कोई भी वीकनेस है, डेफिशिएंसी है, तो किस तरीके से उसको फिल किया जा सकता है, ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है. सो ऑल ऑफ दीज, दैट इज 1, 2 एंड 3, दीज आर द राइट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द गैप एनालिसिस टूल. सो डी इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन इन्वॉल्व. अगेन इट इज अ टेक्निक दैट इज यूज फॉर इंटरनल इवैल्यूएशन. तो स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन में क्या क्या आता है? स्टेटमेंट्स हैं, एनालाइजिंग द आउटकम्स दैट आर ब्रॉट अबाउट बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्ट्रैटेजिक प्लान. सेकेंड, इंश्योरिंग एवरीवन अंडरस्टैंड्स द बिजनेस स्ट्रैटेजी. थर्ड, चेकिंग हाउ वेल द स्ट्रैटेजी इज वर्किंग. एंड फोर्थ, इग्नोरिंग द डिस्क्रिपेंसीज इन द स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन. तो यहाँ पे भी स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन में क्या आता है? पहले तो जो आउटकम्स हैं, जो भी हम लोग ने स्ट्रैटेजिक प्लान इंप्लीमेंट किया उसके रिजल्ट्स क्या है, उसको एनालाइज करना, वो सही है, इट इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू दोज ऑब्जेक्टिव्स. सेकेंड, इंश्योर एवरी वन अंडरस्टैंड द बिजनेस स्ट्रैटेजी. जब तक हर एक एम्प्लॉय को समझ नहीं आएगा कि बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है, वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे. यहाँ पे क्या हो सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज हो सकती हैं, इसीलिए हर किसी को वो स्ट्रैटेजी समझ आना जरूरी है. तो यहाँ पे एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए बिटवीन द सबॉर्डिनेट्स एंड द मैनेजमेंट, लीडर्स एंड द फॉलोअर्स. फिर चेकिंग हाउ वेल द स्ट्रैटेजी इज वर्किंग, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड. इग्नोरिंग एनी डिस्क्रिपेंसीज, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं. तो 1, 2 एंड 3 किसमें दिया है? ऑप्शन डी में. 1, 2 एंड 3 दीज आर राइट फॉर द स्ट्रैटेजी इवेल्युएशन. सो डी इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट. The question says, what aspects does a SWOT analysis take into account? तो ये आंसर करने के लिए पहले हम लोगों को SWOT का फुल फॉर्म पता होना चाहिए. S stands for strengths, W stands for weakness, O stands for opportunities and T stands for threats. तो ये ही फुल फॉर्म है. SWOT analysis के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स देखते हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और किस तरीके के थ्रेट्स वो फेस कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें SWOT एनालिसिस में आती हैं. सो डी 1, 2, 3 एंड 4. तो SWOT एनालिसिस इसीलिए होता है ताकि हम इवेल्युएशंस को कंडक्ट कर सकें. ये दोनों ही इंटरनल, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स साइमल्टेनियसली. ये साथ में दोनों का एनालिसिस करता है. और SWOT एनालिसिस ये कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू प्रोवाइड करता है, ओवरव्यू प्रोवाइड करता है पूरी कंपनी का, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, उसके प्रोडक्ट्स, उसके प्रोडक्ट्स किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, क्या ट्रेंड्स हैं जो उस कंपनी में देखने को मिल रहे हैं हमें, कोई न्यू प्रोडक्ट है, अगर कोई न्यू प्रोडक्ट अगर हमको लॉन्च करना है तो हमें उसके लिए भी देखना पड़ेगा. एंड देन जो उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उसमें हम लोग किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं. तो ये सारी ही चीजें SWOT एनालिसिस के अंदर आती हैं. तो SWOT एनालिसिस केवल कंपनी है, हम लोग अपनी रियल लाइफ में भी यूज करते हैं. हम जो भी कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो पहले हम लोग देखते हैं हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, व्हाट वी डिड वेल, व्हाट वी कैन डू बेटर, हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के क्या चीजें बेटर कर सकते हैं, ये हमारे स्ट्रेंथ्स में आते हैं. फिर वीकनेस में क्या आता है, मतलब जिन एरिया में मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है, कौन से एरियाज है, कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें मैं लैग बिहाइंड कर रही हूँ, तो वो मेरे वीकनेसेस होते हैं. अपॉर्चुनिटीज, कोई ऐसा एरिया जो अभी मैंने टच नहीं किया है बट बाकी लोग उसमें प्रॉफिट पा रहे हैं तो वो अपॉर्चुनिटी होती है मेरे लिए, मतलब पोटेंशियल. अपॉर्चुनिटीज आर द पोटेंशियल, पोटेंशियल टू अचीव समथिंग. एंड थ्रेट्स, थ्रेट्स होते हैं कि मतलब हम लोगों को कौन से रिस्क है, द पोटेंशियल रिस्क दैट वी माइट बी फेस्ड विद. ये क्या हो सकते हैं, माइनर हो सकते हैं, मेजर हो सकते हैं, बाकी सारे जो कंपनीज हैं उस एरिया में उनसे हमको कितना कॉम्पिटिशन मिल रहा है, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी से हमें कैसे थ्रेट्स मिल रहे हैं, या नेशन में अगर ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ इकोनॉमिक वहां पर डिग्रेडेशन चल रहा है, ये सारी चीजें हमारे लिए थ्रेट्स आते हैं. तो जब हम लोग SWOT एनालिसिस करते हैं तब हम लोग बेटर डिसीजन ले सकते हैं अपनी कंपनी के लिए. सो द राइट आंसर इज डी. SWOT एनालिसिस इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फॉर द कंपनी. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हमने आज के सेशन में चैप्टर 2
फ्रॉम मॉड्यूल ए डिस्कस किया हमने, प्लानिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखे, मोस्टली जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो कवर हो गए हैं, बट अगर कुछ रह गया है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप माई ऑनलाइन प्रेप का ऐप डाउनलोड करो, आप वहां से फ्री एमसीक्यूज है, मॉक टेस्ट अवेलेबल, आप उनको प्रैक्टिस करो, ऑल्सो फ्री वीडियोज भी हैं, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, फ्री वीडियोज मिलेंगे आपको, आप इजिली सारे लेक्चर्स का रिविजन कर सकते हो वहां पे जाके, सो फ्री वीडियोज फ्री मॉक टेस्ट इसको अवेल करो, ये आप ही के बेनिफिट के लिए है ताकि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सको इसी एक अटेम्प्ट में, आपको फिर से नेक्स्ट अटेम्प्ट ना देना पड़े, सो ये सारी वीडियोस देखिए। इसके लिए आप क्या करो, आपने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, आपने अगर अब तक माय ऑनलाइन प्रेप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियोस ऑन अ डेली बेसिस अपलोड की जा रही हैं ताकि आप ऑन अ डेली बेसिस अपने रिविजन को कंप्लीट करते जाओ, एक भी दिन अगर मिस होता है तो वो आपके लिए लॉस होगा, तो खुद को बेनिफिट में रखने के लिए, बाकी लोगों से आगे रखने के लिए ये सारी वीडियोज देखो। एंड वॉट यू डू इज यू नीड टू कॉमेंट डाउन बिलो योर स्कोर, जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है, तो कमेंट डाउन कीजिए, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड देन वील मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस रिवीजन सीरीज। थैंक यू फॉर लर्निंग विद अस।